हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। वुमेंस लीग का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलियन लीग का, सिडनी एफसी वुमेंस वर्सेस मेलबोर्न विक्ट्री वुमेंस के बीच। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करें इस मैच की। देखो पहले तो सिडनी एफसी वुमेन और मेलबोर्न सिटी के अंदर सिडनी एफसी वुमेन के चांसेस हैं ज़्यादा विनिंग के, मेलबोर्न विक्ट्री के कम, मतलब उनसे कम। मतलब वैसे लगभग दोनों टीम्स अच्छी हैं, लेकिन सिडनी एफसी ने इनको आज तक जीतने बड़ी मुश्किल से ही दिया है, वैसे तो जीतने दिया ही नहीं। तो बात करें सबसे पहले देखिए इनके स्ट्राइकिंग की। तो मैं आजकल स्ट्राइकिंग से इसलिए शुरू करता हूँ कि कई लोग क्या करते हैं, पूरी वीडियो देखते नहीं है, तो वो समझते हैं कि डिफेंडर जिसको फेवर कर रहे हैं वो उठा लो, जिस टीम को डिफेंडर फेवर कर रहे हैं वो ही उठा लो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैं स्ट्राइकिंग से आजकल शुरू करता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे। तो सबसे पहले बात करें पी इबनी की। देखिए पी इबनी, प्रिंसेस इबनी इनकी कंसिस्टेंसी वाली प्लेयर है। ऐसा तो नहीं है कि 29 मार्च के बाद मैच ना हो। 29 मार्च के बाद इनकी टीम ने दो मैचेस खेले थे जिसके अंदर इबनी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन भी दिया था। तो मैं प्रिंसेस इबनी से काफ़ी ज़्यादा ठीक गेम की डिमांड रखता हूँ, और हर मैच के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा नया करके जाती है। एरस की बात करें, देखिए अभी तक अगर आप देखेंगे तो मेलबोर्न विक्ट्री अगर लिमिटेशन में गोल कर रही है, अगर एक गोल करती है तो एक गोल खाती है, दो गोल करती है तो भी एक गोल पे सामने वाली टीम को रोकने का दम रखती है मेलबोर्न विक्ट्री। डिफेंडिंग इनकी अच्छी है, लेकिन मेलबोर्न विक्ट्री की एरस जो प्लेयर है ये कंसिस्टेंसी में सामने वाली टीम को डिस्ट्रॉय करने का दम रखती है, मतलब अच्छा करने का। एम हेले की बात करें, देखिए एम हेले गोल तो कर रही है, लेकिन खेलेगी तब लूँगा ना, सब्स्टिट्यूशन में गोल करती है तो मुझे स्मॉल लीग में क्या परवाह। इसलिए मैं हर बार आर लॉफ को उठा लेता हूँ, क्योंकि जब आप किसी प्लेयर को ले रहे हो और अगर वो लाइनअप्स में नहीं है तो बंदा आपको फालतू ही बोलेगा ना आगे से, क्योंकि जब आप प्लेयर को ले रहे हो और वो खेल नहीं रही, आपको पता भी नहीं है कि वो सब्स्टिट्यूशन आएगी नहीं आएगी, और तब भी आप उस प्लेयर को उठा रहे हो तो ये तो गलत है। अब इम्पैक्ट प्लेयर हमें पता है आईपीएल के अंदर कि आ सकता है, तब हम उसको बेधड़क लेंगे, लेकिन अगर हमें नहीं पता और अगर हम ऐसी मतलब अपना लगाते रहेंगे अपना अनुमान, तो फिर तो गलत है ना। आगे से बात करें मिडफील्डिंग की, यहाँ पे एक प्लेयर है मैकेंजी हॉफ कैसबी। सो मैकेंजी हॉफ कैसबी को यहाँ पर मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, कंसिस्टेंसी में इसको कैप्टन भी रखा है मैंने। सी वाइन की अगर बात करें तो लास्ट मैच सी वाइन का जो 29 मार्च के हुआ था, 29 मार्च के बाद दो मैचेस और हुए थे जिसमें सी वाइन फ्लॉप थी भाई, मतलब। पर अभी तो मैं लूँगा। एंड एस हंटर की बात करें, देखिए हंटर को अभी मैं नहीं ले रहा, क्योंकि हंटर एक ठीक ठाक खेलने वाली खिलाड़न है। एक्चुअली अगर आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा गोल करेगी तो भूल जाओ इस बात को। एंड सामने वाली टीम की बात करें तो जैक्सन एमी जैक्सन ने लास्ट मैच के अंदर पता नहीं एक अनएक्सपेक्टेड असिस्ट कर दी, और पॉइंट पता नहीं 50-60 पॉइंट कैसे दे गई अपने गेम प्ले से, इतना अच्छा तो इसका गेम प्ले है भी नहीं। और मर्फी को तो 100% लेना ही लेना है, आप एक बार भले ही जैक्सन को छोड़ देना चलेगा, और एलईडीएस को भी छोड़ दो चलेगा। बी गॉड की जहाँ तक बात रही है, अगर बी गॉड खेलती है तो जरूर लेना है। बी गॉड अगर आपकी टीम में नहीं है तो आप मैच जीत ही नहीं सकते, और बी गॉड को लेना है तो जैक्सन छूटेगी, और अगर जैक्सन छूटेगी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि जैक्सन इतनी कोई बड़ी खिलाड़न नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं उसने लिमिटेशन में गेम खेली, आप देखिए ये तो खेलती भी नहीं थी शुरू में, ठीक है ना। आगे से अगर बात करें डिफेंडिंग की, तो डिफेंडिंग के अंदर देखिए मैं सिडनी की तीन डिफेंडर उठाऊंगा, जो कि है पहली अपनी डिफेंडर जो है सी रूल के बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट प्लेयर जिसका नाम है नेटाइल, ठीक है, नेटाइली टोमिन, ठीक है। लास्ट मैच के अंदर पद डोरी के खिलाफ अच्छा नहीं करी थी, बट उसके अगले मैचेस में अच्छा किया। एंड हमारी अगली होगी फोर्थ डिफेंडर जो भी नीचे से खेलेगी, लाइक वो भले ही ग्रीन हो, भले वो हमारी के फेंटन हो, क्योंकि जो भी फोर्थ डिफेंडिंग करेगी मैं उसके साथ जाऊंगा। अभी मुझे लगता है कि ग्रीन को लेना सही है, क्योंकि अगर ग्रीन प्लेइंग 11 में रहेगी तो अच्छा है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट अगर हो गई तो हार जाओगे। इसलिए अगर सब्स्टिट्यूशन से बचना है तो मैकलिन ले लो, अगर सब्स्टिट्यूशन से आपको डाउट है तो अगर फिर मैकलिन अगर खेलती है तो ले लो। बट बहुत चॉइसेस हैं यार, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, हार पे भी अच्छी है। अब हार पे देखते हैं, लास्ट 29 मार्च के मैच में जब खेल रही थी तो 90 मिनट पूरा खेली थी, तो अगर इसको लेना है इसको ले लो, मतलब प्लेयर वो लेना जो 90 मिनट पूरी खेले, अगर बीच में सब्स्टिट्यूट हो गए गेम ख़त्म। आगे से बात करें, यहाँ पे लूँगा डमोंट को, डमोंट ही ठीक है, क्योंकि जब बीच में वो नहीं खेल रही थी तो उसकी जगह ट्रैम्पलमैन को ऑप्शन चांस मिला था, बट डमोंट अच्छा खेलती है। बात करें कैप्टन की, कैप्टन है हमारी मतलब यहाँ से हमारी कैप्टन हुआ है मैकेंजी के बाद जो हमारी वाइस कैप्टन है वो है या तो सी वाइन या पी इबनी। आई एम गोइंग विद इबनी। तो ये मेरी टीम में, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।